स्वागत बंधन। आज हम संस्कृत विषय कक्षा नौवीं दसवीं नवम कक्षा आया और दसम कक्षा तो संस्कृत अनुवाद होते हैं। तो जैसे भूतकाल में किस तरीके के होते हैं, फिर मतलब जो वर्तमान काल है कैसे, भविष्य काल है कैसे, तो आज हम इनके कुछ जो शब्द हैं और शब्दों के जो अर्थ हैं किस प्रकार से परीक्षाओं में आते हैं और आप उनको कैसे लिख सकते हैं, आज इनके विषय में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा है अभ्यास है वर्तमान कालिक वाक्य। तो ये जो अधोलिखिता नाम वाक्य नाम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा स्वभाषा अनुवादन कुरु, ठीक है। आज हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो संस्कृत विषय है संस्कृत में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और जब हम उनका अनुवाद करते हैं तो क्या उसका मतलब जो अर्थ है वो क्या होता है और इस तरीके से आपको परीक्षाओं में आते हैं तो आपको लिखना पड़ते हैं कैसे इसको करना है, ठीक है। तो आज हम ये अनुवादन जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इसको लिखना। वर्तमान का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आता है वयम वाराणसी गच्छामः, ठीक। इसका क्या आएगा कि हम सब कहां जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, बनारस जा रहे हैं या जाते हैं, तो वाराणसी, तो वयम वाराणसी गच्छामः ये आएगा। यदि ये आपका हिंदी में आता है तुम कहां जाते हो, इसका भी आपको अनुवाद करना है तो क्या आएगा, त्वं पुत्र गच्छसि, करती हो रहा हो रही हो, ये सब चीजें क्या है वर्तमान काल में, ठीक है। फिर क्या है युवान किं कुरुथा, इसका क्या अर्थ आएगा कि तुम दोनों क्या करते हो या करती हो। यूयं प्रहसनं पश्य, तुम सब प्रहसन या नाटक देखते हो या देखती हो। फिर अहं लेखं लिखामि, तो मैं लेख लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो ये भी आपको हिंदी में दिए जा सकते हैं और इस तरीके से आपको उसका संस्कृत में अनुवाद करना पड़ेगा या कभी संस्कृत में देख करके उसका जो भाषा है हिंदी भाषा में उसका अर्थ पूछा जा सकता है। तो आप दोनों ही प्रकार से इसको पढ़ें और याद करें। आवाम ग्रह कार्यम कुर्वा, हम दोनों जो है ग्रह कार्य करते हैं। अहम आवाम वयम, आवाम माने हम दोनों, वयम भोजनम पचाम, हम सब भोजन पकाते हैं पकाती हैं। रमेश कथाम श्रुणोती, रमेश कथा सुनता है। लता गीतम गायती, लता गीत गाती है। माता जलम पिबती, माता जल पीती है। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखिए नद्यं वेगेन बहता, नदी कैसी है, दोनों नदियां वेग से बहती हैं। बालिका अभ्यासम कुर्वन्ती, लड़कियां अभ्यास करती हैं। शिशु दुग्धम पिबति, जो शिशु है वो क्या है दूध पीते हैं। नित्यांगना नृत्यन्ति, नित्रांगनाएं नाचती हैं। पुरुष जलम नयन्ति, पुरुष जो है जले जाते हैं। अब यहाँ पर वाक्य नाम संस्कृत भाषा में अनुवाद, अभी हमने संस्कृत से हिंदी में, अब जो है हिंदी से संस्कृत में कैसा, हाथी चलता है गजा चलती, दो बंदर कूदते हैं वानरों कूदता, दो लड़कियां नाचती हैं बालिके नृत्यता, वृद्ध जन धीरे धीरे चलते वृद्ध जना शन शन चलंती, महिलाएं बातचीत करती हैं महिला वार्तालापम कुर्वन्ती, बच्चियां कहानी सुनती हैं बाला कथाम श्रवन्ति, दो छात्र पाठ याद करते छात्रों पाठम स्मरता, दो किसान खेत जोतते हैं कृषकौ क्षेत्रम कर्षता, दो बैल चढ़ते हैं वृषभौ चरता, इस प्रकार से आपको उसको गाना है। चलिए आगे, अब यहाँ देखिए दो हंस क्या करते हैं तैरते हैं, ठीक है। दो हंस तैरते हैं, हंसम करता, लोग काम करते हैं, जना कार्यम कुर्वन्ति, तुम क्या करते हो, तुम किम करोषि, तुम पाठ याद करते हो, तुम पाठम स्मरसि, तुम लोग व्यर्थ समय बिताते, यूयम प्रथा समयम
या फिर यहाँ दिया है मैं पुस्तक पढ़ती हूँ तो आम पुस्तकम पठामि। हम दोनों ग्रह कार्य करते आवाम ग्रह कार्य पूर्वम, हम दोनों बातें करते आवाम वार्ता वार्ताम पूर्वम, हम लोग स्वाध्याय करते हैं वयम स्वाध्यायम पूर्वम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमने आपको भी बताया तो हमने पढ़े किस चीज के बारे में। अब यहाँ पर जो हम करेंगे अभ्यास है भूतकालिक वाक्य प्रयोग, इसमें करेंगे भूतकालिक वाले। आप इसमें देखिए जो भूतकालिक वाले हम करने वाले हैं तो उसमें आधुनिक का नाम वाक्य नाम हिंदी भाषा आंध्र भाषा स्वभाषा में सबसे पहले जैसे दिया है गजा अचलन तो हाथी चले, सिंह अगरजत सिंह गर्जा, अजऊ अचरताम दो बकरे चले, बानरव अकूदताम दो बंदर कूदे युवान अक्रीडन है ना, तो क्या आएगा युवक खेल। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं भूतकालिक में, तो इस प्रकार क्या करना जैसे ये दिया है वृषभा भारम आवाहन तो बैलों ने भार ढोया, छात्रा पाठम पाठम अपठन तो छात्रों ने पाठ पढ़ा, बालिका पाठम अपठन बालकों ने पाठ पढ़ा, तुम पाठम अस्मरण तुमने पाठ को क्या किया याद किया, युवां कार्यम अकृतम तुम दोनों ने कार्य किया, अहम कवितां अस्मरण मैंने कविता याद की, और आवाम ग्रामम आगच्छा हम दोनों ग्राम गए, आवाम भोजनम अपचा हम दोनों ने भोजन पकाया, वयम चलचित्रम अपश्याम हम दोनों हम सब ने चलचित्र देखा, वयम माने हम सब, वयम भोजनम अकर्मा हम सब ने भोजन किया। अब यहाँ का जो वाक्य है वो संस्कृत भाषा अनुवाद, ठीक है, अब हमको इन जो शब्द दिए हैं जो वाक्य दिए हैं उनको संस्कृत में बनाना, जैसे छात्रों ने पाठ पढ़ा छात्रा पाठम अपठन, शिशु ने दूध पिया शिशु दूधम अपिबा, माता ने बच्चों को प्यार किया माता बालम अस्नेह, छात्र ने कविता सुनाई छात्रा कविताम अश्रवयत, माता ने गीता सुनी माता गीताम अश्रणो, फिर क्या तुमने काम समाप्त किया तुम किम कौन कार्यम समाप्तम अपूरः, तुम लोगों ने कथा सुनी युजम कथम अश्रुत, फिर मैंने गीत गाया अहम गीतम आगयम। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बनाना है। चलिए आगे हम दोनों ने पाठ याद किए आवाम पाठम अस्मरा, हम लोगों ने विज्ञान पढ़ा वयम विज्ञानम अपठाम, हम दोनों लोगों ने यात्रा की वयम यात्रा अकर्मा, मैं पटना गया अहम पटना अगच्छम, हम दोनों ने खीर बनाई आवाम क्षीरम अपचा, हम लोगों ने फल खाए वयम फलामि अकर्मा। अब यहाँ पर जो आएगा भविष्य कालिक वाक्य, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिए हुए कर हिंदी से अपन उसको इसमें संस्कृत से हिंदी कैसे, सेविका पत्राणि प्रक्षालिष्यति सेवक बर्तन धोया, जिसने शाह लगा होता है मैंने पहले समझाया था भविष्य का, ठीक है ना, तो दाता याचका धनम दास्यति दाता याचक को धन देना, इस तरह पति भवन निर्मास्यति मिस्त्री जो है वो भवन निर्माण करेगा करेगा होगा हो जाएगा ये सब भविष्य का, पत्रवाह पत्राणि प्रेष्यति पत्रवाह पत्र भेजेगा, त्रिशातौ जलम पास्यता दो प्यासी पानी पिएंगे, सुधार्था रोटिकां खादिष्यन्ति भूखे रोटी खाने। अब यहाँ देखिए वृक्षा फलश्यन्ति वृक्ष फलेंगे, गायका गीतानि गायस्यन्ति गायिकाएं गीतों को गाएंगी, आलोचका निदन्यस्यन्ति आलोचक निंदा करेंगे, त्वं दुग्धं पास्यसि तुम दूध पियोगे, यूयं पादपान सेक्ष्यथ तुम सब पौधों को सींचोगे, अहम कथां श्रोष्यामि मैं कथा सुनूंगा, आवाम शाटिका प्रेष्या हम दोनों साड़ी खरीदेंगे, वयं क्रीडस्यामा हम सब खेलेंगे। अब यहाँ पर संस्कृत अनुवाद, ये आपको हिंदी दिया इसका संस्कृत अनुवाद, वह घर जाएगी सारणम भविष्यति, वे दोनों चलचित्र देखेंगे तव चलचित्रम गच्छता, वे लोग गीत गाएंगे तव गीतम गायस्यन्ति, तुम फल ले जाओगे तुम फलानी
निश्चय से हिमालयी पौधों को जल से सींचेंगे। माला का पादपान जलेन सेंशयन्ति, पिता धन भेजेंगे, पिता धनं प्रेषयिष्यति, भक्त देव को नमस्कार करेंगे, भक्ता देवान नश्यन्ति। आप यहाँ पर देखिए, आप तुम इस समय क्या करोगे? तो हम अधुना के तर्षसी, मैं चित्र देखूंगा, अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, तुम लोग प्रश्न पूछोगे, यूयम प्रश्नान रक्षत। आप यहाँ पर आद्यार्थक वाक्य में प्रयोग, ठीक है? तो छात्र मन लगाकर पढ़े, छात्रा मन मनसा पठन्तु, दो बालिकाएं गीत सुने, बालिके गीतम सुनुताम, सभी स्त्रियां भय त्यागे, सर्वा स्त्रियां भयम त्यजन्तु, शिष्य आचार्य को प्रणाम करें, शिष्य आचार्य प्रणमन्तु, देशभक्त देश की रक्षा करें, देशभक्ता देशं रक्षन्तु, सभी नृत्यांगना नृत्य करें, सर्वा नृत्यांगना नृत्यन्तु, तुम घर जाओ, वयम गृह गच्छ, तुम दोनों संगीत, तुम सभी चुप रहो, यूयम तूषणी तिष्ठ, मैं अभी दौड़ूं, अहमपि भवामि, ठीक है? आप यहाँ पर हिंदी भाषा स्वभाषा अनुवाद करें, वृद्धा विश्राम करो, तुम वृद्ध विश्राम करें, आज्ञा आज्ञार्थक उसमें है ना, आप यहाँ पर दिया हुआ है, कर्म कारु कार्यं कुरुताम, दो मजदूर कार्य करें, जना कर्मणि लग्ना स्यु, लोग कार्य में लगे, तो हम विषयम अवगच्छ, तुम विषय को जानो, युवा महापुरुषम नमतम, तुम दोनों महापुरुषों को नमन करो, यूयम इतः धावत, तुम सब यहाँ से दौड़ो, अहम पाठम स्मरामि, मैं पाठ याद करूँ, आवाम स्पर्धयाम भागम गृह, हम दोनों स्पर्धा में भाग लें, वयम दीनानाम सेवा कुर्याम, हम दोनों दीनों की सेवा करें, संगीतज्ञ गायन्तु, संगीतज्ञ गायन। अब यहाँ पर जो दिया वर्तमान काल वाक्यार्थक वाक्य परिवर्तन, ठीक है? तो जो वर्तमान काल वाक्यांश उसको अभ्यार्थक काल में, सह गीतम गायति, सह गीतम गायतु, बालकौ तर्तक, बालकौ तर्ताम, शिष्या नमन्ति, शिष्या नमन्ति, चिकित्सक उपचारं करोति, चिकित्सक उपचारं करोतु, करोतु, सेवकौ कार्याणि संपाद्यता, सेविकौ कार्याणि संपाद्यताम, सैनिका देशं रक्षति, सैनिका देश देशं रक्षन्तु, जनका सुतां पालयति, जनका सुतां पालयतु, त्वं धनं प्रेषयसि, त्वं धनं प्रेष्य, युवां गृहं गच्छत, युवां गृहं गच्छत। त्वं धनं प्रेष्यसि, त्वं धनं प्रेष्य, युवां गृहं गच्छत, युवां गृहं गच्छत, युवां पाद कंदुका कंदुकं क्रीडत, युवां पाद कंदुकं क्रीडत। फिर है अहम वृक्षम आरोहामि, अहम वृक्षम आरोहामि, आवाम जलपाव, आवाम जलपाव, वयम अत्र उपदिशामः, वयम अत्र उपदिशामः, ठीक है? आप यहाँ पर विधि लिंग वाक्य का प्रयोग, यहाँ पर रमेशा कार्यं कुर्यात्, रमेश को कार्य करना चाहिए, जनिका पाषाण क्रोटे, मजदूर को पत्थर तोड़ना चाहिए, सैनिका देशम रक्षे, सैनिक को देश की रक्षा करनी चाहिए, राधा जलम पिबे, राधा को जल पीना चाहिए, कवि काव्यम कुर्यात्, कवि को काव्य की रचना करनी चाहिए, नद्यो वहेताम, दो नदियों को बहना चाहिए, स्त्रिया भोजनम पचेयु, स्त्रियों को भोजन पकाना चाहिए। फिर दिया यहाँ पर बालिका चित्रम रचिए, है ना? तो बालिकाओं को चित्र बनाना चाहिए, त्वं खेलनी, त्वं लेखनी, यच्छे, तुम्हें लेखनी देनी चाहिए, युवां समाधानम वदेतम, तुम दोनों को समाधान बताना चाहिए, यूयम प्रपा प्रदर्शय, तुम सबको प्रपा दिखानी चाहिए, अहम भोजनम पचेय, तुम मुझे भोजन पकाना चाहिए, आवाम जलम आन एव, हम दोनों को जल लाना चाहिए, वयम गृह कार्यम, हम सब गृह कार्य कर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संस्कृत भाषा अनुवाद, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, तो क्या है? वयम पर्यावरणम रक्षे, मुझे अपने भविष्य की चिंता
करनी चाहिए, अहम स्व भविष्य चिंतेयम्। तुम्हें विज्ञान पढ़ना चाहिए, तुम विज्ञान पढ़े, तुम दोनों को शिष्ट होना चाहिए, युवाम शिष्टौ भवितम्। तुम लोगों को दूध पीना चाहिए, यूयम दूधम पिबे। सभी बच्चों को समय पर आना चाहिए, चाहिए सर्वे बालिका समय आगच्छेयु। आप यहाँ पर देखिए, ये दिया है चिकित्सकों को ज्ञानी होना चाहिए, तो चिकित्सा ज्ञानी ना भवेयु। न्यायाधीश, न्यायाधीश को न्याय करना चाहिए, तो न्यायाधीश न्यायम कुर्या, न्यायाधीश को न्याय करना चाहिए। फिर है छात्रों को कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, छात्र कर्तव्य निष्ठा भवेयु। बच्चे को दौड़ाना चाहिए, चाहिए क्या अपने, तो बालिका धावे। सभी को शाम को खेलना चाहिए, सर्वे सायंकाले क्रीडेयु। समय पर भोजन करना चाहिए, समय भोजन कुर्या। फिर मुझे पाठ याद करना चाहिए, स्मरे यम। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो अलग अलग काल के जो वाक्य हैं उनको किस प्रकार, इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत अनुवादों को समझाया, और अलग अलग काल के मैंने आप लोगों को अनुवाद बताए। आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।